दोस्तों नमस्कार, और कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल किसान समृद्धि जीवन में हार्दिक वंदन और अभिनंदन है। दोस्तों आज हम एक आपको बगीचा लेके आए हैं, बहुत बढ़िया बगीचा है। हमारे विजय बोबड़े जी हैं और ये बैतूल ज़िला में है, उनका जो है मुलताई तहसील में महाकाल ढाबा है, उनका बगीचा है दोस्तों विजय जी का। और बहुत बढ़िया उनके बगीचा में उन्होंने महोगनी का भी प्लांटेशन किए हैं हमारे यहाँ से। और उनका एक बहुत बढ़िया प्लांट हम आपको दिखा रहे हैं, पारस पीपर का पौधा है दोस्तों। पारस पीपर ये पौधा जो है बहुत बहुत कीमती पौधा है। इस पौधे की बहुत सारी विशेषताएं हैं दोस्तों। ये पौधा जो है पारस पीपर, आप देख रहे हैं ऐसे इसके पत्ते होते हैं, ये पत्ते होते हैं पान जैसा इसका पत्ता होता है और इसके ऐसे फ्रूटिंग आती है। इसके फ्रूट जो है, इसके फल जो है बहुत सारी औषधियों के काम आता है। और ये पारस पीपर है, मतलब इसका नाम ही पारस है। इसको अगर घर के सामने अगर लगा दिया जाए तो सुख समृद्धि पैसा सब कुछ आता है मेरे दोस्तों। तो आप लोगों से मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आप जो है घर के सामने, घर के पीछे जो साइड जो है पारस पीपर के वृक्ष को ज़रूर लगाइए। ये पौधा जो है बहुत ऊर्जावान पौधा है, बहुत शक्तिवान पौधा है, बहुत एनर्जेटिक पौधा है, बहुत पैसा देने वाला पौधा है दोस्तों, पारस पीपर के नाम से। ऐसे बहुत सारे पौधे हम आपको बगीचे में दिखा रहे हैं। अभी एक पौधा हम आपको दिखा रहे हैं जो है बहुत ऊर्जावान पौधा है दोस्तों, सुख समृद्धि और पैसा देने वाला पौधा है। ये पौधा आपका लगा है, देखिए महोगनी का पौधा, ये महोगनी का पौधा है। देखिए वर्ल्ड की सबसे बेहद कीमती इमारती लकड़ी, पूरे दुनिया की सबसे कीमती लकड़ी है। इसका फल, फूल, पत्ता, बीज, छाल सब कुछ बिकता है। इसके छाल से मच्छर मार अगरबत्ती बनती है, इसके बीज से बहुत सारी कैंसर, डायबिटीज, अस्थमा की दवाइयाँ बनती हैं। और इसके ये जो पौधा से बंदूक की बट, भूकंपरोधी मकान, समुद्री जहाजें बनती हैं। तो ये पौधे का बहुत सारा उपयोग है दोस्तों। ये पौधा आपका जीवन बदल देगा। अगर आप अपने खेत के बाड़ी में मेड़ के किनारे किनारे चारों तरफ लगाते हैं तो पूरा जीवन आपका परिवर्तन हो जाएगा। ये पौधा आपको फर्श से अर्श तक पहुंचाने का पावर रखता है ये पौधा। ये पौधा बहुत ही सुंदर पौधा है दोस्तों। महागुनी, जिसका वेदों में महागुनी के नाम से वर्णन है, इसके गुणों की काउंटिंग नहीं, इसका फल, फूल, पत्ता, बीज, छाल सब कुछ काम में आता है। तो मेरे दोस्तों, आपके पास अगर खेती बहुत हो, थोड़ी बहुत बागवानी हो, थोड़ा अब ये आपका अगर जगह हो, घर के सामने थोड़ी सी जगह हो, तो कुछ पौधे ज़रूर जो है 10-20-50 पौधे जो है महोगनी के आप ज़रूर लगाइए। ये आपके जीवन को बलदने वाला, सुख समृद्धि देने वाला बहुत ऊर्जावान पौधा है। यहाँ पूरा मैं आपको बगीचे में बहुत सारे ऊर्जावान पौधे आपको दिखा रहा हूँ, जिन्होंने जो है ये बना के पूरा रखे हुए हैं जो है। और भी मैं आपको पौधे आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये देख रहे हैं पूरे इनके बगीचे में केला का पौधा लगा है, आप देख रहे हैं जो है बहुत बढ़िया जो है केला लगा हुआ है। और ये केला भी लगा है, ऊर्जावान पौधा। ये अपना जो है महोगनी भी लगा है, ये सागौन भी लगा है, आप देख रहे हैं बगीचा में सागौन भी लगा है। ये महोगनी एक और वृक्ष लगा है, नंबर एक का महोगनी है। अब एक साल का पौधा कम से कम 10 फीट का हो गया, केले का पौधा। ये गुलाब देखिए बहुत बढ़िया, आपको मैं जो है ये वीडियो के माध्यम से आपको मैं, और ये देखिए ये जो है ये इसका पौधा है। ये जो है अच्छे क्वालिटी के जो है गुलाब लगे हैं, गुलाब जो है बहुत बेस्ट क्वालिटी के गुलाब लगे हुए हैं। और बगीचा में आप आइए दोस्तों, ये देखिए बहुत हाइब्रिड का जो है गुलाब लगा है, बहुत प्यारा है, मज़ा आएगा आपको, कितना सुंदर लग रहा है। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए आपका गुलाब आपको कैसा लगा। और दोस्तों अगर आपको सब वीडियो हमारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, हम लोगों को अच्छी अच्छी खेती के संबंध में जानकारी देंगे। ये देखिए दोस्तों गुलाब का पौधा कैसा है, बताइए आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताइए। बहुत प्यारा गुलाब है, बहुत खुशनुमा, बहुत अच्छा बगीचा जो है भैया ने बनाया है। और भी हम आपको जो एक अच्छा पौधा आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये रुद्राक्ष का पौधा लगा है दोस्तों। ये देखिए रुद्राक्ष का पौधा है, ये बहुत ऊर्जावान पौधा है, रुद्राक्ष का पौधा ये बहुत ऊर्जावान पौधा है। सुख समृद्धि जीवन में पैसा ही पैसा देने वाले पौधे हैं। ये पौधे से पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जाओं का समावेश होता है। अगर आप इसको अपने घर के आसपास लगाते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा आती है दोस्तों। तो जीवन में बहुत सारे सुख समृद्धि देने वाले पौधे यहाँ लगे हुए हैं। और आप देख रहे हैं यहाँ जो है ये बेल का पौधा है, हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे तरीके से जो है ये लगा हुआ है। ये देखिए बेल लगी है, बेल, बेल तो सभी को ही आप लोग जानते हैं, ये बेल का पौधा है। घर के सामने जो है इसको घर के सामने ज़रूर लगाना चाहिए मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों। ये अकौवा का पौधा लगा है, आप देख रहे हैं, ये मदार का पौधा है। अकौवा भगवान शिव का स्वरूप है। इसको लगाने से सकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर जो है प्रवेश करती है और जो है सकारात्मक जो है बनता है आदमी। और आप देख रहे हैं जो है
बहुत कई प्रकार के यहाँ जो है पौधे लगे हैं, हम आपको पूरा घुमा घुमा के कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने का कि आप जो है आप देखिए आप जो है, ये अकौआ का पौधा है, अकौआ, अकमन, मदार भी बोलते हैं कई जगह, मदार, मदार का पौधा, वाइट मदार का पौधा है, और बहुत सारे अच्छे वृक्ष हैं, ये देखिए अच्छे अच्छे से वृक्ष लगे हैं, और ये चंदन का पौधा लगा है दोस्तों। अब आप ऐसे आइए, ये देखिए ये जो है ये चंदन है, ये चंदन का पौधा है, देखिए ये इसको बोलते हैं रक्त चंदन, ये चंदन का पौधा है, ये आपको बहुत सुख समृद्धि देगा, लाखों लाखों का एक पौधा बिकता है मेरे दोस्तों। ये चंदन के पौधे अगर आप खेती करते हैं, बहुत सारे किसान मित्र इसकी खेती भी कर रहे हैं, अगर आप इसको चाहें तो अपने खेत के आसपास चारों तरफ बाड़ी में आप लगा सकते हैं, खेत में लगा सकते हैं, एक एक पौधा लाखों लाखों रुपए का जाता है। इससे बहुत सारा जो है केमिस्टिक जो है दवाइयाँ बनती हैं, बहुत सारे पाउडर क्रीम बनते हैं इससे। तो ये लाल चंदन है दोस्तों, बहुत बहुत कीमती पौधा है। इसी प्रकार जो है इस बगीचे में जो है ये नारियल के पौधे लगे हैं, ये अपना जो है ये पौधा आपका जो है ये फ्रूट प्लांट लगा हुआ है जो है, और बहुत सारे प्रकार के अच्छे अच्छे पौधे लगे हैं दोस्तों। तो हमारा आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने का मतलब ये है कि आप लोग भी घर के आसपास जो है बागवानी करिए, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और सुंदरता आएगी, और जीवन में एक जो है अलग ऊर्जा का समावेश होगा, सकारात्मक ऊर्जा का समावेश होगा। अब ये देखिए आपका सिंदूर का वृक्ष लगा है दोस्तों, ये सिंदूर, जो सिंदूर जो है अपने भोलेनाथ अपने बजरंग बली जी के में चढ़ता है, ओरिजिनल सिंदूर है ये, ओरिजिनल सिंदूर का पौधा है, ओरिजिनल सिंदूर। ये सिंदूर जो है आप अपने घर के आसपास जरूर लगाइए, इसमें फल आते हैं, और फल से इसके जो दाने निकलते हैं, दानों को थोड़ा सा जो है उसको बारीक पीसने से पूरा सिंदूर बन जाता है पूरा, और ये ओरिजिनल सिंदूर है जिसको जो है महिलाएं अपने मांग में यूज करती हैं, वो सिंदूर है, और जिसका जो है भगवान को चढ़ाने के लिए यूज होता है वो सिंदूर है, ओरिजिनल सिंदूर है दोस्तों। तो ऐसा पौधा जो है, मेरा कहने का भाव ये है कि आप लोग भी अपने आसपास बगीचों में जो है अच्छे अच्छे प्रकार के जो है आप फ्रूट प्लांट आप लगाइए। बादाम का भी वृक्ष लगा हुआ है, और बहुत सारे बेला का वृक्ष लगे हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे वृक्ष लगे हैं पूरे बगीचा में, आप चारों तरफ आप देख सकते हैं ये चीज़ें। तो मेरे दोस्तों जो है आप लोग भी ना आप जो है अच्छे अच्छे जो है अपने गमले में और अपने आसपास जो है अपने सुख समृद्धि के लिए, सकारात्मक ऊर्जा के समावेश के लिए, और आप जो है ये प्लांट ज़रूर लगाइए। ओके दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए, और अगर आप अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो और लोगों तक आप शेयर करिए। ओके दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।